अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। Thank you.
ये पुलिया पे पानी है, कौन सा गांव है और कब से पानी यहाँ पे? नन्ना नगर 2 घंटा हो गया है। 2 घंटे हो गए। अच्छा, यहाँ से कोई गाड़ी पार कर रहा ना व्यक्ति यहाँ पे? नहीं करी, किसी ने नहीं करी ना। हाँ। तो क्या हर बार यहाँ पे पानी आ जाता है क्या? हर बार आवे। अच्छा, ये कब से बंद है यहाँ पे रास्ता? और यहाँ पे से कुछ लोग निकलते भी गए थे ऐसा बता रहे? नहीं निकले अभी, अभी तो नहीं निकले थे। और ये यहाँ पे कब से ऐसा पानी चल रहा है? 2 घंटा। 2 घंटे हो गए। क्या प्रशासन की टीम आ गई यहाँ पे? पुलिस प्रशासन आ गया? हाँ। तो हर बार बारिश में दिक्कत आती है क्या यहाँ पे? हर बार। क्या पुलिया छोटी है, क्या कारण है? पाइप हो रहे हैं। हाँ, वो पानी नहीं निकल पाए, निकासी नहीं हो पाती। हाँ, ये झांकरा है, कोई कहीं है, फटी जाए वो में क्या मुल जाए। अच्छा, ये पानी के गांव वाँव में तो नहीं आ रहा इसका? हाँ। घरों में तो? हाँ हाँ जी। क्या नाम है? नहीं आया। क्या नाम है काका आपका? गोपाल सिंह। कहाँ के निवासी हो? मकान। ये कौन सा गाँव है? ये नंदा नगर। ठीक है। पे जब देखा जा रहा है कि लगातार पानी गिरने से यहाँ पे पुलिया पे पानी बह निकला है और कुछ लोग यहाँ पे गाड़ियाँ भी निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या पुलिया है और इसका लेकर क्या कहना आपका? अभी कल रात से भारी वर्षा होने के कारण पुलिया पर पुल पर पानी काफ़ी अधिक मात्रा में आ गया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्या हो गई है। कई लोग रोज़ ऑफिस जाते हैं, कभी दफ्तर जाता है, कहीं कहीं जगह जाते हैं, तो उनको काफ़ी अधिक समस्या है। तो लोग निकल रहे थे, तभी हमने पुलिस को, थाना प्रभारी अजय जी को जानकारी दी, उन्होंने पुलिस बल भेजा और यहाँ पर पूरी व्यवस्था सब कुछ। अच्छा, ये पुलिया का छोटी है, इस पुलिया को बड़ी बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जाएंगे आगे? इसका टेंडर हो चुका है, अभी 2-3 दिन में आदरणीय राजमाता जी के नेतृत्व में इसका भूमि पूजन होने वाला है, जल्द से जल्द इस पुलिया का निर्माण हो जाएगा। अभी देखा जा रहा था लोग पुलिया पार कर रहे थे, अभी क्या स्थिति यहाँ पे? अभी जल भराव है, पुलिस प्रशासन यहीं पर है, अभी कोई इसमें आना जाना दोनों तरफ से बंद करा दिया है और अभी कोई भी आना जाना नहीं करा, जिससे जान का जोखिम बच जाए। आपका नाम? संजय ठाकुर। कौन सी पुलिया कब से इसमें पानी भरा गया और क्या है? ये मेनकी चक की पुलिया है। हाँ। और ये राजा महाराजाओं के हाथ की बनी हुई पुलिया है। हाँ। उसके बाद में आज तक यहाँ पुलिया का कुछ भी काम नहीं हुआ। कई नेता आए, कई विधायक आए, कई सांसद आए, कई पार्षद आए, उन्होंने सिर्फ अपने घोषणा पत्र में लिख दिया कि ये पुल का ऊंचा करेंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे, लेकिन आज तक किसी ने कुछ नहीं करा। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है लोग गाड़ियों से निकल रहे हैं, पानी भी है अभी यहाँ पे निकल। ये क्या उनको बार बार फोन आ रहे हैं? दूध वाले आए हैं, कोई सब्जी वाला आ रहा है तो फोन आ रहे थे, तो अभी भैया हरि सिंह जी के पास भी फोन आया, तो उन्होंने कहा मैं निकालता हूँ भैया जैसे तैसे करके, तो हम गांव वालों ने सहयोग करके ये 3-4 गाड़ियां दूध की अभी निकलाई है। अच्छा, पानी कितनी वजह से यहाँ पे पुलिया के ऊपर से बह रहा है? ये पानी सुबह में 6:30 बजे इधर से, पहले मैं अपनी बालिका को छोड़ने के लिए गया था जब पुलिया में पानी नहीं था, उसके बाद में 1 घंटे के अंदर ही इतना पानी हो गया कि पूरा रास्ता जाम। अभी कोई प्रशासन की टीम यहाँ पे पहुंची है? कोई आया? प्रशासन की टीम नहीं पहुंची है ना, कोई यहाँ से आता है। ठीक है, आपका नाम क्या भैया? महेंद्र सिंह ठाकुर। यहाँ के निवासी हो आप? वार्ड क्रमांक 13 निवासी। तो आने जाने के लिए लोगों की मदद कर रहे हो यहाँ पे ना? हाँ, अब क्या करो, भैयाओं को फोन आ रहा, तो जैसे तैसे सुनील भैया में उत्तम भैया इंदर सिंह जी चौधरी साहब ने, जैसे तैसे सुभाष चौधरी ने, हमने लोगों की जनसंख्या करके इधर से। अभी क्या रस्सी वस्सी लगा रहे हैं यहाँ पे, कुछ व्यवस्था करें? व्यवस्था अभी नहीं है, क्योंकि ज्यादा अगर बहाव रहता तो बर्फ की व्यवस्था भी की जाती है, अब बहाव कम हो गया है इसलिए अभी वो नहीं है, लेकिन जनता को चाहिए यहाँ के लोगों को कि विकास के नाम पर सौंदर्यकरण हो और यह पुलिया का बहुत ही ऊंचीकरण हो, ताकि आने वाले भविष्य को देखते हुए यहाँ कभी पानी और जैसे लोग आते हैं ऐसे निकल जाए।